गोरखपुर लगातार फिल्म शूटिंग का हब बनता जा रहा है। एक के बाद एक फिल्मों की जो शूटिंग है वो यहाँ पे चल रही है। आपको बता दें कि इस समय भारत माता की जय भोजपुरी फिल्म की शूटिंग गोरखपुर में चल रही है और उसके जो मुख्य कलाकार हैं वो हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। फिल्म की शूटिंग गोरखपुर में, एक के बाद आप लगातार 7-8 फिल्में भी कर चुके, कैसा महसूस हो रहा है गोरखपुर में फिल्म की शूटिंग को लेकर के? जी प्रणाम, अच्छा लगा कि आप आए यहाँ पे। और गोरखपुर में हम लोग हमेशा बहुत ही एकदम कूल माइंड शूट करते हैं। यहाँ का सुविधा, यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के लोकेशन इतने प्यारे प्यारे बन गए, इतने अच्छे हो गए कि आज भोजपुरी का सबसे बड़ा टाइटल और हिंदी में भी नहीं बनी है फिल्म भारत माता की जय, जिसका हम लोग शूटिंग करने आए हुए गोरखपुर में। मैडम आप भी गोरखपुर में आई हैं, गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद है अब तो, और आपके क्षेत्र से रवि किशन जी सांसद भी हैं, वो भी यहीं के हैं, क्या देख रही हैं, कैसा माहौल है? मेरी ये थर्ड फिल्म है गोरखपुर में, तो बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ यहाँ पे। और मैं यूपी से हूँ तो ऐसा लगता है अपने घर में, अपने गाँव जवार में ही शूट कर रही हूँ, तो आई एम वेरी कम्फर्टेबल डूइंग शूटिंग हियर। सर फिल्म की को लेकर के अगर बात करें, दर्शकों को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा टाइटल है भारत माता की जय, ना हिंदी में बनी है, ना भोजपुरी में बनी है, ना साउथ में बनी है, कभी ये पहली बार बनने जा रही है। हमको लगता है कि इससे बड़ा टाइटल हो भी नहीं सकता है, ठीक है। और उसके बाद से ये जो है एक देशभक्ति फिल्म है, ऐसे भी मैं ज़्यादातर देशभक्ति फिल्म करता हूँ, मिशन पाकिस्तान, इंडियन, नरसिम्हा, फर्ज, तो हम लोग भारत माता की जय टाइटल है। इसमें बहुत कुछ एक हमारे नवयुवक वर्ग है जो कि हमारे पहले इतिहास जो रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी और भी नेताजी जितने हैं जिनका इतिहास रहा है, जो हमारे नवयुवक आ रहे हैं जिनको, जो नए पीढ़ी को नहीं पता है, तो इस फिल्म से उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उससे बहुत कुछ मतलब अच्छा है। सर नवयुवक की आप बात कर रहे हैं, गोरखपुर पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। पहले बात करें भोजपुरी फिल्मों के लेकर, तो भोजपुरी में काफ़ी दर्शक यहाँ पर हैं क्योंकि बगल से ही सटा हुआ बिहार का क्षेत्र बनता है। यूपी में फिल्म सिटी बनाने को लेकर के बात हो रही है और जिस तरीके से गोरखपुर में शूटिंग का चल रहा है, नौ युवकों को आगे लाने, क्योंकि उनका भी मकसद होता है कि हम भी अभिनय के क्षेत्र में जाएंगे, क्या लगता है गोरखपुर के आसपास में ऐसा एक फिल्म सिटी जैसा होना चाहिए जिससे नौ युवक आगे आएँ? बिल्कुल भैया, ये तो हब ही बन चुका है, यहाँ पर ऑलमोस्ट इतने बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, इतने सारे सुविधा है, पार्क है, वो तालाब है जो कि इंडिया में हमको लगता है कि बहुत फेमस है अपना नौका बिहार जो तालाब है, तो हर सुविधा है यहाँ पे। यहाँ के लोगों का हमारी जितनी फिल्में हैं इसमें हमको लगता है 70% लोग हमारे गोरखपुर से हैं, गोरखपुर के आसपास से हैं, तो सब रोजगार भी मिल रहा है ना। हमारे रवि जी सांसद हैं, उनके यहाँ से सांसद बनने से और भी हम लोग का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा, हौसला बढ़ा, वो सारा सुविधा देते हैं। उनके 2-4 लोग यहाँ पे है जो सारा मैनेज कर रहे हैं। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपकी किस तरीके से अभिनय देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग जिस तरीके से आपकी मूवी आ रही है, दर्शक काफ़ी तेज़ी से साथ आपसे जुड़ते जा रहे हैं, इस बार क्या कुछ खास होगा? ये भारत माता की जय में मैं अभी नहीं वो करना चाहती रिवील कि मैं किस कैरेक्टर में, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, कह सकते हैं हीरो के बराबरी का कैरेक्टर है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और नया रूप देखने को मिलेगा, एक्शन एंड ऑल सारी चीज़। सर भारत माता की जय जिस तरीके से नारा है, दोनों लोग से आपसे जानना चाहूँगा, एक तरीके से आपने बताया भी देशभक्ति, गाने कैसे रहेंगे, क्योंकि गानों को लेकर के भोजपुरी में जो दर्शक होते हैं उनमें एक बड़ा क्रेज होता है, तो क्या कहना चाहेंगे गानों को लेकर के? हमारी फिल्म के USP ही सॉन्ग है, हम लोगों ने किसी एक सॉन्ग पे नहीं किया, वेरिएशन मिलेगी क्योंकि इसमें कई शेड हैं, इनके भी मेरे भी कैरेक्टर बहुत अलग अलग है, तो गाने हर वैरायटी के, मतलब दर्शक ये नहीं सोचेंगे यार सेम गाने, वेरिएशन मिलेगा। इसमें एक बहुत ही बड़ा सॉन्ग भी बना है, देशभक्ति सॉन्ग है, जिसमें लगता है कि जब रिलीज होगा तो ऑल इंडिया आजीवन बचेगा। उस गाने को कैलाश खेर जी गा रहे हैं, उस पूरे गाने को कैलाश खेर जी गा रहे हैं, क्योंकि उस टाइप से सॉन्ग ही है, वो गाते भी हैं, देशभक्ति गाना गाते हैं, तो सॉन्ग इसमें बहुत ही प्यारा है। कोई हमारे भारत माता की जय जब नाम है तो इसमें अश्लीलता का तो कोई शब्द ही नहीं हो सकता, ऐसे भी अश्लीलता हमारे भोजपुरी से धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बिल्कुल, देश अमृत महोत्सव मना रहा है अभी, आपने देखा 15 अगस्त बीता भी, और जिस तरीके से ये मूवी आ रही है भारत माता की जय, आपने बताया भी कैलाश खेर जब हैं तो कहीं ना कहीं भोजपुरी मूवी में और कैलाश खेर का जो सॉन्ग है, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी खबर है, दर्शकों को अपने बता दें। सर एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, और कहाँ पर शूटिंग हो रही है गोरखपुर के अलावा इस फिल्म की? नहीं, हम लोग यूपी, अभी हम लोग मुंबई में, मुंबई से 300 किलोमीटर दूर है महाबलेश्वर, पंचगनी, वहाँ हम लोग गाने शूट किए, वहाँ पे हमको लगता है 15-20% फिल्म का शूटिंग है, बाकी सारा हम लोग गोरखपुर में कर रहे हैं।
तो देख सकते हैं कि जिस प्रकार से गोरखपुर एक भोजपुरी फिल्म के साथ साथ अदर बॉलीवुड फिल्मों के लिए तेज़ी से जो हब बनता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शूटिंग का जो केंद्र है वह इससे विकसित होगा और जो यहाँ की जो नौ युवक पीढ़ी है जो अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते उन्हें भी मौका मिलेगा। तो आप क्या है कि अपना टाइटल है भारत माता की जय, हमारे सारे भाई हैं, देख रहे हैं गोरखपुरवासी पूरा आए थे, एक बार नारा लगाते तो मजा आता है। भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। तो देख सकते हैं लोगों का जो उत्साह है इस फिल्म को लेकर के वो काफी है और जब यहाँ पे शूटिंग चले तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोगों का जो हुजूम है वो यह शूटिंग को देखने के लिए मिल रहा है। तो आप इसी तरह बने रहिए सक्षम मीडिया के साथ, देखते रहिए सक्षम मीडिया गोरखपुर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।